अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आखिर मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की जरूरत फिरका परस्त ज़हनियत के लोग क्यों करते हैं? क्या वजह है जो मुसलमानों को इस तरह सियासी, माशी, समाजी तमाम शोबों में जानबूझकर छेड़कर दुश्मनी निकालने की कोशिश करते रहते हैं? आखिर मुसलमान किस दिशा में जाए? क्या वजह है कि मुसलमानों के सियासी दीनी रहनुमा फिरका परस्तों का किसी भी मैदान में मुकाबला करने में नाकाम हो चुके हैं? सही कहा जाए तो मुस्लिम समाज दो राहे पर खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ ईमान का तकाजा यह है कि नबी के शान में गुस्ताखी पर रद्दअमल जरूरी है, तो दूसरी तरफ समझदारी से कानून, इंतजामिया, अदलिया के सहारे मुजरिमों को सजा दिलवाने का मुतालबा करे। अब जब हैदराबाद के मुसलमान सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस तरह का मशवरा भी दे रहे हैं कि इन्हें सड़कों पर उतर कर एहतजाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो साजिश है और वो उकसाना चाहते हैं। पर क्या ईमान के साथ संवैधानिक हक नहीं जो एहतजाज करे? यकीनन हालात नाजुक हैं, लोगों के चेहरों पर मायूसी भी नजर आ रही है। पहले तो कारोबार नहीं, नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानों में ग्राहक नहीं, महंगाई बेरोजगारी तो तारीखी मियार पर। ऐसे वक्त में मुसलमानों पर आजमाइशों के पहाड़ आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इससे भी सख्त हालात का अंदेशा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेंगियों के चलते पहले ही इशारे दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे वक्त में क्या किया जाए? दीनी रहनुमाओं से बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर इनकी खामोशी भी बहुत कुछ बयान करती है। सियासी लीडरान भी अपना वजूद बचाने की कोशिश में है और ऐसे वक्त में अल्लाह रसूल कुरान इबादतों मस्जिदों इस्लामी कवानीन पर हमले किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में नूपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसे लेकर अभी मामला थमा भी नहीं था। नूपुर शर्मा को अदालतों से राहत भी मिल गई, उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ये भी सच्चाई है। जबकि भाजपा की तर्जुमान थी, अभी मामला थमा ही नहीं था कि अब हैदराबाद के गोशा महल के राजा सिंह ने नबी की शान में फिर से गुस्ताखी की। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी के बाद हैदराबाद में माहौल में कशीदगी पाई गई, लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने मलहून गुस्ताखे रसूल राजा सिंह को गिरफ्तार तो किया, लेकिन फौरन रिहा भी कर दिया। अगर इसी तरह मुसलमानों के जज्बात से खेलते हुए हिंदू मुसलमान की सियासत कर इख्तदार हासिल करते रहे, तो फिर मुसलमानों का क्या रद्दअमल होना चाहिए? क्योंकि गुस्ताखे रसूल के खिलाफ रद्दअमल भी जरूरी है। महज एक कहकर खामोश रहना के जानबूझकर उकसाने की कोशिश की जा रही है तो दोबारा नहीं किया जाएगा, इसका क्या भरोसा? और वैसे भी कानून को हाथ में नहीं लेना है, बल्कि मुल्क के संविधान के तहत ही कार्रवाई की मांग करनी होगी। एहतजाज, मुतालबा, रैलियां संविधानिक दायरे में कर सकते हैं, फिर तमाम खामोश क्यों हैं? नूपुर शर्मा के वक्त जितना लोग बोलते हुए पाए गए, एहतजाज करते हुए देखे गए, अब वो तमाम आवाजें भी धीमी होती जा रही है। क्यों? खामखा इंतजामिया के नजर में आने वाली ज़हनियत में इजाफा होता जा रहा है। ताज्जुब तो इस बात का है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होने के बाद भी मस्जिदों में हालात पर बयानात नहीं होते। इससे पहले भी हमने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि हालात का तस्करा नहीं किया जाता। आजादी के बाद मुसलमानों का सियासी दीनी तनज़ुल क्यों हुआ? फिरका परस्त तंजीमें, खासकर बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी की तारीख, इनके मंसूबे अवाम को क्यों नहीं बताई जाते? आज भी उन्हीं पुरानी नहज पर क्यों बयानात किए जाते? क्या इमामों को इल्म नहीं, या इन्हें मस्जिद के जिम्मेदार बोलने नहीं देते? नौजवान और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जमातों की बागडोर थाम दी जाए, ताकि मौजूदा हालात में इंतजामिया या फिर आला अफसरान के सामने जाकर कानून के दायरों में बात करने वाले रहे। देखा यह जा रहा है कि इस्लाम दीन से मुराद महज कुछ रस्मी इबादतें हैं। जुमा में मस्जिदों को जाकर दो रकात पढ़ने वाले यही समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी दो रकात नमाज पढ़कर हमने मुकम्मल कर ली है, और जो पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं उन्हें ईद की इबादतों पर फक्र तो है ही। ये भी यही समझते हैं कि असल मुसलमान तो हम ही हैं, क्योंकि पांच वक्त की नमाज तो पढ़ ही रहे। पर जिस कदर मुसलमानों को हर मैदान में जलील और रुस्वा करते हुए ईमानी अकायदों को ठेस पहुँचाने की कोशिश बारात की जा रही है, इससे किसी को कुछ भी लेना देना नहीं। अभी दज्जाल के फितने रोनुमा होने वाले हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ देखना भी है, लेकिन उम्मत का हाल यह है कि अभी से अपनी जान बचाने की कोशिश में है, और जो हालात है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जिस सिमत पूरा माशरा जा रहा है, उल्मी दीनी रहनुमाओं को जरूरत का मुजारा करना होगा, क्योंकि उम्मत उन पर आज भी आस लगाए बैठी। ईमान का तकाजा यही कि नबी की शान में गुस्ताखी होती है तो ईमान वाला तड़फ कर उठे, लेकिन जिस तरह का सन्नाटा देखा जा रहा है इसको समझने की जरूरत है। खामोश है तो इसके पीछे कुछ आगे की मंसूबाबंदी है, ऐसा भी नहीं है। रोजाना की जिंदगी में मुसलमान मस्त है, अब तो लोगों के पास रुपया, पैसा, दौलत की रेल चेल भी है, कुछ गरीब है दरमियानी क्लास में अखराजात का तवाजन करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं।
वो भी तबका है, लेकिन एक ऐसा तबका भी है जिनकी पिकनिक इजलास तकरीबात जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, ये भी इसी माशरे में चल फिर रहे। राजा सिंह का गुस्ताखाना दांव भी साजिश का हिस्सा है। खामोशी अगर किसी मंसूबे के तहत हो तो कुछ और बात, लेकिन माशरा बिल्कुल बेहिस बेगैरत होने लगा है तो बड़े नुकसान का आना भी यकीनी माना जाता है। मौसम बदलने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह हालात से इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर क्या जिस कौम को आखरत का सबक पढ़ाकर दुनिया में भेज दिया गया था, वो कौम आज दुनिया परस्त और आयश परस्त हो चुकी है और अपने नबी की शान में गुस्ताखी होने के बाद भी टस से मस होने को तैयार नहीं, तो क्या मुस्तकबिल हो सकता है? इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। खैर, रोजाना दीन इस्लाम शान रिसालत में इस तरह कोई भी ऐरा गैरा बयानबाजी करता रहे और हम खामोश रहे, ये भी सही नहीं है। कानून के दायरे में रद्द अमल जरूरी है, वरना दुश्मन के हर हमले को महज हिकमत कहकर अपनी बुजदिली के तहत इसे कबूल करना गोया मुनाफिकत की निशानी ही कह सकते हैं। इस पर सभी को लम्हे फिक्र करने की जरूरत है। रियासी सतह मुकाबले में अर्शन माड़ीवाले को कामयाबी हासिल हुई है। बेलगाम के अर्शन माड़ीवाले को 19 से 22 अगस्त तक कर्नाटक रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के जेर एहतमाम ओपन स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकिर्दगी का मुजहरा किया। मस्कुरा रियासती सतह के रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में तकरीबन 400 स्केटर्स ने हिस्सा लिया था। इसमें बेलगाम के अर्शन माड़ीवाले ने स्पीड स्केटिंग 1000 मीटर में जीत हासिल की और चांदी का मेडल जीता। अर्शन पिछले 2 साल से केली सोसाइटी कारपोरेशन स्पोर्ट्स गुड शेफर्ड स्कूल स्केटिंग ट्रैक में प्रैक्टिस कर रहा था। इसके इस जीत पर मुख्तलिफ शोबों से मुबारकबाद पेश की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी यूथ विंग की जानिब से कारपोरेशन कमिश्नर को मुतालबा पेश किया गया। वाजरा आम आदमी पार्टी यूथ विंग का कहना है कि कुरबूर समाज की जगह शांता उपार गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा शांता उपार पर कार्रवाई करे। आप युवा कमेटी ने आगे ये भी कहा कि अशोकनगर में शांता उपार को ये जगह कुरबुर समाज के फलाई कामों को अंजाम देने के लिए दी गई थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स की तामीर कर इसे अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल में लाया गया और कई दुकानों को तामीर कर महाना किराया वसूला जा रहा है, लिहाजा इसकी तहकीक हो और जल्द कार्रवाई को अंजाम दे, ऐसा मुतालबा भी पेश किया गया। जुनैद पाशा ने साफियों को तफसीलात पेश किए। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई नौजवान कारकुनान मौजूद थे। आज हमें यहाँ सब जिन्हें जमा हुए जो एक अशोक नगर में हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, वो एक्चुअली समाज के वास्ते बनाना और वहाँ समाज के चीज़ें उनके वास्ते यूज़ होना, मगर उन्होंने वो कॉम्प्लेक्स बांध के अपना पर्सनल यूज़ कर रहे हैं और क्या उससे समाज का क्या यूज़ नहीं है। वहाँ हनुमान तुप्पार करके हैं, अपना पर्सनल यूज़ करके ले रहे हैं उन्होंने उसके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ समाज के स्तर है, हक है समाज का, तो वो समाज के स्तर से यूज़ होना चाहिए। इल्लीगल तरीके से बने हैं कॉम्प्लेक्स, तो हमारी ये अर्जी हम दिए हैं कॉरपोरेशन कमिश्नर सर को कि जल्द से जल्द ये जो भी है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन नहीं हुआ तो हम एक प्रोटेस्ट करेंगे बड़े पैमाने पर, तो उस हिसाब से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कॉरपोरेशन मेयर डिप्टी मेयर का आखिर ऐलान किया गया। आज कैटेगरी का ऐलान करते हुए मेयर जनरल और डिप्टी मेयर के लिए एससी महिला को रिजर्व किया गया है। इस ऐलान के बाद कॉरपोरेटरों के मुरझाए हुए चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट देखी गई। आज फिर ऑपरेशन लियोपार्ड जर रखा गया, जिसमें आज हाथियों का इस्तेमाल किया गया। रोजाना नई नई तरकीबों का एक तरह का मुजहरा भी शहर में चर्चा का मौजू बनता जा रहा है। अब तो सोशल मीडिया पर तेंदुओं को ढूंढने को जाता काफिला भी मजाक बनते जा रहा है। आइए देखते हैं आज हाथियों के साथ तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश और शाम तक फिर एक बार नाकाम लौटते काफिले। यही रोजाना की तस्वीर देखी जा रही है। तेंदुआ न मिलना दरअसल फॉरेस्ट महकमा की नाकामी है और पिछले 20 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद तेंदुआ न मिलना फॉरेस्ट महकमा की नाकामी साफ जाहिर हो चुकी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया अल्लाह।
ना।